ताजी भैंस रहेगी ना देने लिए 2-3 दिन के, इसलिए वेजिटेबल घी डालते हैं। अच्छा ये घी है ना, जो ताजा जनी हुई होती है, तो ये घी क्यों डालते हैं? भैंस को तंदुरुस्ती मिलती है और ताकत में रहती है। अच्छा ताकत के लिए कितने दिन तक खिलाते होगी वो भैंस? 10 दिन के लिए। नमस्कार कुसुमा लिख भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका तीनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम आए गुजरात के अंदर भावनगर जिले में। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये सभी भैंस सेल के लिए अवेलेबल है। सभी भैंस दूध में देखे तो 20 लीटर से प्लस दूध देने वाली है पूरे दिन का। तो एक एक करके सभी की डिटेल जानेंगे और एक बार एड्रेस जान लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अमित आहिर। और आपका एड्रेस? मैं भावनगर गुजरात से हूँ। अच्छा भावनगर प्रॉपर, भावनगर में भावनगर गुजरात की हूँ। और अभी कितनी भैंस है आपके पास? मेरे पास सेल के लिए 6 भैंस। अच्छा 6 भैंस है। तो ये सारी भैंस है इनके फार्म पे, अभी आप देख सकते हो। एक एक करके डिटेल जानेंगे सभी भैंसों के बारे में। तो इसके बारे में बता दीजिए, ये कौन से ब्याज की है? ये तीसरे ब्याज की है। अच्छा तीसरे ब्याज की है ना। इसको जने हुए 1 महीना 10 दिन हुए। 1 महीना 10 दिन हो गए। कितना दूध दे रही है? 11 लीटर। 11 22 लीटर पूरे दिन का दूध कंप्लीट है। कंप्लीट है गारंटी के साथ में? गारंटी के साथ। अच्छा पूरी गारंटी के साथ में आप यहाँ पे आओ, दूध निकाल के बाद में आप यहाँ से खरीद के लेके जाओ। पूरी गारंटी के साथ में इसका 5 लीटर दूध है। आप देख सकते हैं इसकी अर्डर की थन की क्वालिटी, पीछे से इतना कितना अर्डर निकाला हुआ है जो 5 लीटर भैंस दूध देती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का अर्डर की क्वालिटी होती है। हाइट लेंथ बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हाइट में ये भैंस देख सकते हो बहुत अच्छी हाइट वाली है। सभी भैंस इनके पास में अच्छी अच्छी है। तो अब जानते हैं दूसरे नंबर वाली भैंस के बारे में। यह है दूसरे नंबर वाली भैंस। तो भैया एक बात इसे बता दीजिए, आप सेल करते हो तो शुरुआत से लेके लास्ट प्राइस क्या रहती है सेल करने? मेरे इधर 1 लाख से 1 लाख होते हैं। माने 2.5 लाख के भी मांगे ना तो होती मैं। अच्छा 1 लाख से 2.5 लाख में आपके पास में मिलती है, क्योंकि 20 से 25 लीटर दूध देने वाली भैंस है इनके पास में। अभी ये दूसरी है तो इसके बारे में बता दीजिए, ये कौन सा ब्याज की है? ये भी तीसरे में। अच्छा तीसरे में। और इसको अभी हाजिर में पूरा दिन का दूध 20-20 लीटर है। अच्छा पूरे दिन का दूध 20 लीटर अभी हाजिर में इसका। कितना दिन हो गया इसको बच्चा? इसको चने हुए 20 दिन। 20 दिन हो गया और 20 लीटर पूरे दिन का इसका दूध कंप्लीट है। अड्डे की क्वालिटी आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट, बहुत अच्छा फिट अड्डर वाली है। थन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। इसके नीचे कटड़ी है या कटड़ा? कटड़ी है ना। इसके नीचे पे? इसके नीचे कटड़ा है। कटड़ा है ना, इसके नीचे कटड़ी है। हाइट लेंथ इसकी भी देख सकते हो, बॉडी का स्ट्रक्चर और दूध में बहुत ही अच्छी है। क्वालिटी में भी आप देख सकते हैं, नस्ल एकदम प्योर ब्रीड है जाफराबादी के अंदर। नस्ल में भी अच्छी है, दूध में भी अच्छी है। अब ये रही तीसरे नंबर की, ये कौन सा ब्याज की है? ये दूसरे में है। अच्छा दूसरे ब्याज में। तो अभी बच्चा दिया हुआ इसने? बच्चा दिया हुआ 15 दिन। 15 दिन। कटड़ी है या कटड़ा? कटड़ी है ना। इसके नीचे भी अभी पूरा दूध कितना कंप्लीट है? इसको 24 लीटर है। 24 लीटर पूरे दिन का, बहुत अच्छा है। देख लो 12 लीटर एक टाइम का दूध है इसका, आप देख सकते हो। हाइट में बहुत अच्छी है, बनावट एकदम आप देख सकते हो क्वालिटी वाली भैंस है। एक बार पीछे का ऑर्डर देख सकते हो आप, पीछे के ये देखो अड्डर भी बहुत एकदम फिट अड्डर वाली है। अच्छा अड्डर निकाल रखा है। 24 लीटर पूरे दिन का दूध का इसका रिकॉर्ड है। ये मैं चौथे नंबर की इसके बारे में जानते हैं, ये कौन से ब्याज की है? एक फर्स्ट समय पहला ही। अच्छा पहले ब्याज की है। कितने साल की है? ये कम से कम 5 साल की होगी। अच्छा 5 साल की है ना। तो अभी बच्चा दे दिया इसने? हाँ दे दिया। कितने दिन का? इसका 1 महीना हो गया। 1 महीना। कटड़ी है? कटड़ा। कटड़ा कटड़ा है ना। ये कितना कंप्लीट है इसका दूध? इसका 8-8 लीटर है। 16 लीटर पूरे दिन का कंप्लीट है ना। बहुत अच्छा है। ये भी नस्ल में एकदम अच्छी है, हाइट में भी अच्छी है। 16 लीटर पूरे दिन का इसका दूध कंप्लीट है। बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम अच्छा है। अर्डर आप देख सकते हो, थन में कोई दिक्कत नहीं है। भैंस की बनावट आप देख सकते हो, सभी भैंस अच्छी एकदम अच्छी क्वालिटी वाली है। पुंडी सिंह में नंबर वाली है, ये कौन से ब्याज की है? ये वाली फर्स्ट में। अच्छा फर्स्ट में है ना। इसको अभी 1 महीने की कच्ची है। 1 महीने की दे रहे हैं बच्चा देने में। और फर्स्ट लैक्टेशन वाली है आप देख सकते हो, क्वालिटी में ये भी बहुत अच्छी है। दूध कितना दे सकती है? ये पूरा दिन का कम से कम 16 लीटर देगी। अच्छा 16 लीटर पूरा दिन का फर्स्ट लैक्टेशन में गारंटी देगी ना। पूरे जिम्मेदारी के साथ में सेल करते हो? जिम्मेदारी के साथ। किसी भी भाई को अच्छी अच्छी पैसा खरीदनी है तो एक बार आओ इनके फार्म पे, विजिट करो और दूध निकाल के बाद में आप यहाँ से खरीद के लेके जाओ। और पूरी जिम्मेदारी के साथ में सेल करते हैं।
तो दोस्तों 5 भैंस थी यहाँ पे सेल करने वाली और सभी दूध में अच्छी अच्छी वाली है, मतलब 20 लीटर से प्लस दूध देने वाली है। तो आज थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे 20 लीटर से 25 लीटर पूरे दिन का दूध दे रही है, तो यहाँ पे क्या खिलाते हैं? कोई भी भाई अगर यहाँ से खरीद के भी ले जाए तो भी एक बार फीड प्लान इनका जान ले। तो भैया बता दीजिए क्या क्या खिलाते हैं इनको? इसमें कपास की खली है। अच्छा, कपास की खली और तुवेर चुनी है। तुवेर की चूरी है ना? की चूरी है। दो प्रकार का फीड है। एक भैंस के लिए आप देख सकते हैं पूरी सगारी भर के रखी हुई है, तो सुबह शाम इतना इतना देते हैं। अच्छा, 10 दिन तक खिलाते हैं ना। इस प्रकार से यहाँ पे पशु जो बच्चा देता है उसको घी खिलाते हैं। और हरा चारा सूखा चारा दोनों चारा? अच्छा, दोनों। सुबह में हरा और शाम को सूखा। अच्छा, सुबह में ये हरी जवार डालते हैं, सुबह में सूखी, मतलब शाम को सूखी जवार, है ना? ये मतलब यहाँ का फीड प्लान है। और जो सूखा हरा चारा सूखा चारा खिलाते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक बार आओ इनके फार्म पे विजिट करो, आपको जो पशु पसंद आए यहाँ से खरीद के लेके जाओ आप।